हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आए रिगार्डिंग मॉइस्चराइज़र। सो बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट किया कि उनको सेटाफिल वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो सूट नहीं करती है, उनसे उनको अपना फेस जो है वो बहुत डल लगता है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत डार्क लगता है। तो इस वीडियो में वही आपकी हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाएँ इन प्लेस ऑफ सेटाफिल अगर हमें सेटाफिल जो है वो सूट नहीं करता है। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो ये हो सकता है सेटाफिल आपको सूट ना करने का, कि जो सेटाफिल है वो एक थोड़ी सी हैवी क्रीम है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो है सेटाफिल की क्रीम, ये थोड़ी सी हैवी इन टेक्सचर है। ये थोड़ी मोर ऑफ काइंड सिलिकॉन वाली क्रीम है एंड पेट्रोलियम जेली वाली क्रीम है, इतना हैवी इसका टेक्सचर है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड आप उसके ऊपर इसको यूज़ करते हो, तो इट माइट फील लाइक कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत डार्क एंड डल दिख रहा है। बिकॉज रीज़न बींग आपकी स्किन जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, एंड अगर उसके ऊपर आप एक और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट लगाओगे तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा डल फील होता हो। रेस्ट जो ये प्रोडक्ट है, ये नॉन कमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। बट बस इसको लगाने से जो आपको थोड़ा सा डल इसलिए लगता हो कि आपकी स्किन जो है वो ऑलरेडी ऑयली है, तो इसको ऑटोमेटिकली और ऑयली सा ही दिखाता होगा एंड वो डल लगती होगी। तो वही एक सोल रीज़न है ये क्रीम जो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो इन प्लेस ऑफ दिस, जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं या जिनको भी सेटाफिल से अपना कॉम्प्लेक्शन डल लगता है, तो उनके लिए द बेस्ट क्रीम आई वुड रिकमेंड इज़ दिस वन। दिस इज़ द निविया सॉफ्ट क्रीम, दिस इज़ द निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। अब जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि ये थोड़ा सा जो सिलिकॉन बेस्ड, थोड़ा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट लगता है मुझे, एंड ये जो है वो थोड़ा सा वाटर बेस्ड है। लाइक ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी इन कंपैरिजन टू इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है। सो दिस इज़ फार बेटर फॉर ऑयली स्किन पीपल एंड फॉर ऑल दोज जिनको भी स्टिकी स्टिकी चीज़ें पसंद नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड बिफोर यू नो गोइंग फॉर दिस वन, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि इसकी एक छोटी पैकेजिंग आती है, 35 रुपीज़ की आती है आई गेस, तो आप पहले वो लेना एंड उसको लगा के एज अ टेस्टर आप ट्राई करना, अच्छी लगे देन ओनली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। सो यू कैन गो फॉर दिस वन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। इन दोनों मॉइस्चराइज़र को मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करा है एंड बाय दैट एक्सपीरियंस आई कैन से कि दीज आर सो फार द बेस्ट टू मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड सेंसिटिव के लिए दिस वन वुड ऑलवेज बी माई फेवरेट। मुझे आज तक जो है इससे वो कोई डलनेस डार्कनेस वाली प्रॉब्लम आज तक लगी नहीं। यू कैन सी राइट नाउ आई अप्लाइड ओनली दिस क्रीम ऑन माई फेस, मुझे इससे जो वो एक ग्लास स्किन इफेक्ट आता है, एक शाइन आती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। एंड ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा रेडिएंट दिखाता है, मुझे ये पर्सनली फील होता है। तो डल वाला फैक्टर मैंने कभी फेस नहीं करा है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो फॉर दिस वन, बट दिस वुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी हमेशा ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज मुझे इससे अपना कॉम्प्लेक्शन जो है बहुत रेडिएंट लगता है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दिस वन, बट जिनको भी ये सूट नहीं कर रही है, यू कैन गो फॉर दिस वन एंड यू कैन अप्लाई इट 2 times इन अ डे, डे एंड नाइट आप इसको अप्लाई करो आफ्टर फेस वॉश एंड यू आर गुड टू गो। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई थॉट मैं कॉमन वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूँ। सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, ये भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।